हेलो फ्रेंड्स, सोमा टेस्टी रेसिपीज़ में आप सबको स्वागत है। आज मैं ब्रेड कोकोनट मलाई कुल्फी के रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे सब अपडेट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत है इस रेसिपी में। ले लिया है मैंने मिल्क, ये रॉ मिल्क है। ले लिया है कोकोनट, ग्रेट करके ले लिया और उसको पेस्ट भी बना लिया। आप ड्राई कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। ले लिया है ब्रेड, ले लिया है पाउडर शुगर, ले लिया है केसर, ले लिया है मिल्क पाउडर, ले लिया है कॉन्डेंस मिल्क और चाहिए इलायची, 3 इलायची लिया है मैंने। ले लिया है कैशूस, पिस्ताचियोस एंड एलमंड, सब चॉप्ड करके ले लिया। अब मैं ओवन में पैन चढ़ा कर दूध डाल दिया और दूध को लगातार चलाते रहेंगे। दूध में मलाई नहीं आना चाहिए और नीचे से भी ना लगे ये देखना होगा। अब मैंने केसर को डाल दिया और लगातार चलाते रहेंगे। डाल देंगे पाउडर शुगर, दूध में उबाल आ चुके हैं और भी ध्यान रख के चलाना होगा। मीडियम फ्लेम में चलाना होगा, कभी भी हाई फ्लेम में ना देना। अभी डाल दिया है कोकोनट, आप ड्राई कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास जैसा अवेलेबल होगा वही यूज़ करना। लगातार हम चलाते रहेंगे। देखिए दूध काफ़ी घने हो चुके हैं, फिर भी जमाने के लिए और भी घने चाहिए हम लोग को। डाल देंगे कॉन्डेंस मिल्क और फिर से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इसका कलर कितने अच्छे आई है। हम लगातार चलाते रहेंगे, नीचे से कभी भी ना लग जाए ये ख्याल रखना होगा। अब डाल देंगे ब्रेड को। ब्रेड को मैंने स्क्रम्बल बना लिया मिक्सर ग्राइंडर से ताकि आसानी से इससे दूध के साथ घुल मिल जाए। एक साथ नहीं डाला ब्रेड को, दो तीन बार में डाला ताकि लम्स ना बन जाए। फिर से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए दूध काफ़ी घने हो चुके हैं, ध्यान रखे चलाना होगा क्योंकि अभी छींट आती है, बहुत घने हो गया है। डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जमाने के लिए। देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी डाल देंगे मिल्क पाउडर और लगातार चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर भी मैंने एक बार में नहीं डाले, दो बार में डाले हैं क्योंकि लम्स ना हो जाए इसीलिए। अब कुल्फी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक कंटेनर में डाल दूंगी। ग्लास के कंटेनर लिया है, आप देख सकते हो। इसी को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे। 4 से 5 घंटा लग जाएगा जमने में, उसके बाद मैं निकालूंगी। देखिए 4-5 घंटे ओवर हो चुके हैं, मैं कुल्फी बिल्कुल अच्छी तरह से जम गए हैं। अब मैंने निकाल लूंगी। देखिए कितने अच्छे कुल्फी बने हैं। कुल्फी मैंने मोल्ड में नहीं डाले लेकिन ऐसे ही दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने एक एक पीस को निकल रहे हैं और कितने आसानी से भी निकल रहे हैं। कोई भी परेशानी नहीं है, कहीं से भी लगे नहीं है, बहुत ही अच्छे जमे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। आपको पता है कितने अच्छे अच्छे चीज़ें मैंने डाली है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।
देखिए एक पीस मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, देखिए अंदर से भी कितना अच्छी तरह जम गए है, बहुत ही स्वादिष्ट है। जब भी घर में मेहमान आ जाए तब भी आप बनाकर खिला सकते हो, और घर में ऐसे मन करे तो भी जल्दी से बना सकते हो। कई भी नई रेसिपी के आपका ख्वाहिश हो तो मुझे लिखकर बताना, लौट आएंगे जल्दी से एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।